हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप प्रोटीन हेयर मास्क बनाइए। ये देखिए, ये मूंगफली के छिलके हैं। जनरली इस छिलकों को हम फेंक देते हैं, हम इसी से आपका एक प्रोटीन मास्क आपको रेडी करके बताते हैं। सिर्फ दो ही चीजों से हम ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हेयर मास्क रहेगा। ये मूंगफली के छिलके जब हम सेकते हैं तो हम छिलकों को अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है और ऑयल भी होता है छिलकों में भी। तो हम ये छिलकों को मैंने रख लिया है। अब यह थोड़ा सा दही या पानी डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। और हमें दही चाहिए बालों के अनुसार। आप देखिए, अगर लंबे बाल हैं तो आपको दही ज्यादा लगेगा, इक्वल भी ले सकते हैं। अगर छोटे बाल हैं तो आपको कम लगेगा। इसे मैं पीस कर लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, हमने जो मूंगफली का छिलका था उसे इस तरीके से मिक्सर में पीस लिया है। उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से ये बारीक हो जाएगा, देखिए। और दही जो है उसमें हम एक चम्मच या हाफ चम्मच आपको कॉफी मिला रहे हैं। आप चाहे तो एक चम्मच भी मिला सकते हैं, हाफ चम्मच भी मिला सकते हैं। और इस पेस्ट को हम दही में मिक्स कर देंगे इस तरीके से। जितना रिक्वायर्ड है आपके बालों के अनुसार आप उतना ही लीजिए। और इस तरीके से बालों में हल्का सा मसाज करते हुए हमें इसे अप्लाई करना है। और इसे हमें सिर्फ आधा घंटा रखना है, उससे ज्यादा 25 मिनट से 30 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसे लगाकर देखिए, बाल बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्मूथ हो जाएंगे बाल। सो फ्रेंड्स, बस इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमने जो पेस्ट बनाया था उसको हमने 15 मिनट्स सोक करके रखा है, भिगा के रख दिया है। और अब ना हम इसे अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, हमने काफी अच्छे से इसे अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। जिस तरीके से हम तेल लगाते हैं बालों में, जिस तरीके से तेल लगाया जाता है, उस तरीके से अंदर अंदर स्कैल्प में आप इसको मसाज करें अच्छे से। मूंगफली के छिलकों का ये फायदा है, वो स्क्रब का काम करता है। तो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है या स्कैल्प में कचरा है तो वो पूरा अच्छे से उसको बाहर निकाल देता है। और 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है, नहीं तो बालों में ड्राइनेस आ जाती है। सिर्फ 30 मिनट्स रखना है, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, नहीं तो फिर ड्राइनेस आ जाएगी। तो देखिए, हमने इस तरीके से इसको पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।